It'll be over soon. The कहानी की शुरुआत होती है सन 1992 से, जहां पर हम एक बड़े से घर को देखते हैं और उस घर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी था। पहले तो स्विमिंग पूल एक नॉर्मल सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से उस पूल के अंदर से एक खिलौने वाली बोट बाहर निकलती है। इस घर के अंदर एक एंजल नाम की छोटी सी बच्ची सो रही थी और बोट की आवाज से वो अपनी नींद से उठ जाती है। एंजल का भाई टॉम बहुत ही बीमार था, जो कि चल भी नहीं सकता था, और अपने भाई को थोड़ी सी खुशी देने के चक्कर में एंजल खुद उस बोट को स्विमिंग पूल से निकालने के लिए जाती है, लेकिन बोट को निकालने के चक्कर में वो खुद ही पानी में गिर जाती है। लकीली एंजल को स्विमिंग करना आती थी, तो इसीलिए वो पानी में डूबती नहीं है। तभी उसे स्विमिंग पूल के बाहर उसकी माँ दिखाई देती है, लेकिन जब वो पानी के बाहर आती है तो बाहर उसे कोई नजर नहीं आता है। अब अचानक उसे स्विमिंग पूल की लाइट्स फ्लिकर होती दिखाई देती है। उस डर के मारे एंजल स्विमिंग पूल से बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसकी नजर फिर से उस बोट के ऊपर जाती है, और जब वो फिर से उस बोट को लेने के लिए जाती है तभी कोई एविल पावर एंजल को पानी के अंदर खींच लेती है। एंजल अपनी माँ लूसी को हेल्प के लिए बुला रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आता है। और बेटी का नाम था अमीलिया। रे एक बहुत ही फेमस बेसबॉल प्लेयर था, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने के कारण वो अपने गेम को नहीं खेल पा रहा था, साथ ही उसे एक स्टिक के सहारे चलना फिरना पड़ता था। रे के गेम की वजह से उसकी फैमिली कभी भी एक जगह पर नहीं टिक पाती थी, और उन्हें हर बार अपना घर और अपने बच्चों का स्कूल बदलना पड़ता था। अब जब रे कोई गेम नहीं खेल रहा था, तो उनकी फैमिली एक टाउन में एक घर खरीदने का सोचती है, और ये डिसाइड करते हैं कि अब वो अच्छे से रहेंगे। तो इसलिए के नाम की एक ब्रोकर उन्हें टाउन में कई सारे घर दिखाती है। पहला घर उन्हें पसंद नहीं आता है, लेकिन दूसरा घर रे को बाहर से ही देखते पसंद आ जाता है, और ये वही घर था जहाँ पर हमने एंजल की फैमिली को देखा था। कैसे उन्हें पता चलता है कि एंजल की फैमिली के बाद, मतलब कि 1992 से इस घर में कोई और नहीं रहा है। और उसके बाद रे और ईव उसी स्विमिंग पूल को देखने के लिए जाते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर ईव बच्चों के पास में चली जाती है, लेकिन रे पूल के पास ही खड़ा था। तभी उसे पूल में एक बेसबॉल नजर आती है, और उसे पानी से निकालने के चक्कर में रे पानी में ही गिर जाता है। और पानी में गिरते ही रे को अपने गेम के रिकॉर्ड और उसका करियर सब कुछ याद आने लगता है, जिसका मतलब था कि वो अपनी मौत के बहुत ही करीब है। लेकिन सही समय पर रे पानी से बाहर आता है, और तब तक बाकी के फैमिली मेंबर रे की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस बेसबॉल को रे ने पानी के अंदर देखा था उसे वो अपने साथ में ले जाता है। फिर इसके बाद ईव रे को डॉक्टर के पास में लेकर जाती है उसका चेकअप करवाने के लिए, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि रे की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना गेम वापस से खेल सके। रे को बहुत दिनों तक थेरेपी लेनी पड़ेगी, और उसे एक्सरसाइज और स्विमिंग करना होगी, और तब जाकर उसका पैर पहले जैसा हो पाएगा। इस बात से रे को बहुत ही बुरा लगता है, और तब वो अपनी पत्नी ईव को उसी स्विमिंग पूल वाले घर को खरीदने के लिए कहने लगता है, क्योंकि उसे हमेशा घर में एक पूल चाहिए था, और उसी पूल में रे थेरेपी के लिए स्विमिंग भी कर सकता है। ईव का उस घर को लेने का कोई मन नहीं था, लेकिन वो रे के लिए इस घर को ले लेती है। अब पूरी फैमिली उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, और घर में थोड़ी बहुत चेंजेस करने लगते हैं। ईव ने उसी टाउन में एक जॉब ले ली थी, और बच्चे भी नए स्कूल में एडजस्ट हो गए थे। साथ ही पूरी फैमिली पूल को साफ करने लगती है। तभी रे का हाथ सिंक होल को क्लीन करते टाइम बुरी तरीके से कट जाता है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि रे का ब्लड पूल में गिरते ही सिंक होल से कोई ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। तो इसीलिए अगले दिन वो कुछ लोगों को बुलाते हैं इस लिक्विड के बारे में पता लगाने के लिए। तब उन्हें पता चलता है कि उनके पूल में जहाँ से भी पानी आ रहा है वो पानी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये पानी स्किन की बीमारी और बॉडी की बाकी बीमारी को ठीक करता है, और इस बात को जानकर रे और ईव बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर अगले दिन पानी का पीएच लेवल चेक कराने के बाद में पूरी फैमिली पूल में बहुत ही एंजॉय करती है। फिर उसी रात बच्चों के सो जाने के बाद में ईव फिर से पूल में स्विमिंग करने जाती है, और यहाँ पर उनकी कैट उस पूल से दूर रहती है, जैसे कि उसे पूल में किसी चीज से डर लग रहा हो। ईव इस बात को इग्नोर करके स्विमिंग करने लगती है, और एक बार के लिए जब ईव पानी के अंदर थी तो उसे पूल के बाहर रे दिखाई देता है, लेकिन जब वो पानी के ऊपर आती है तो वहां पर कोई नहीं था। फिर अचानक पूल के सभी लाइट फिर से फ्लिकर करने लगती है, जिससे डरकर ईव पूल से निकलकर घर के अंदर आ जाती है, और यहाँ पर वो देखती है कि रे तो कब से घर के अंदर ही था, मतलब कि बाहर रे नहीं बल्कि रे की कोई परछाई होगी। ये बात ईव को बहुत ही अजीब लगती है, पर वो इन बातों को इग्नोर कर देती है। पर हम देखते हैं कि सभी के सो जाने के बाद में उनकी कैट पूल के पास में जाकर किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक वही बोट पानी के पूल में फिर से अपीयर होती है। ये वही बोट थी जिस बोट के पीछे जाने के बाद से ही एंजल मिसिंग थी, और इसके अगले ही दिन वो कैट भी गायब हो जाती है। पूल में बस कैट का कॉलर ही दिखाई दे रहा था, और कैट
शायद उस बोट को देखकर पूल में कूदी होगी, जिसके बाद में एंजल की ही तरह कैट भी गायब हो गई। कैट के गायब होने से एलियट बहुत ही दुखी था, और कैट के अलावा उसका कोई भी दूसरा फ्रेंड नहीं था। अगले सीन में रे जब अपने हाथ का बैंडेज खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ में कोई जख्म नहीं है, जैसे कि उसका हाथ कभी कटा ही ना हो। इधर कैट के गायब होने के बाद में वो फैमिली पूल में कवर लगा देती है ताकि कोई और एक्सीडेंट ना हो। लेकिन इसके बाद ईव को पूल के सपने आ रहे थे, और ऊपर से रे अपना ज्यादातर टाइम उस पूल में ही स्पेंड करता था, और रात को भी रे स्विमिंग करने के लिए निकल जाया करता था। इसी बीच ईव रे को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाती है, और यहाँ पर डॉक्टर इतने कम टाइम में रे की हेल्थ में इतनी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखकर शॉक्ड थी। अब यहाँ पर उनको समझ में आ गया था कि पूल के उस पानी की वजह से रे और उसकी हेल्थ ठीक हो रही थी, तो इसलिए सभी को उस पूल के लिए कोई नेगेटिव चीज माइंड में नहीं आती है। अब अगले दिन एलियट रे से परमिशन लेकर पूल में स्विमिंग करने के लिए जाता है, और पूल में उतरने से पहले एलियट रे की दी हुई कॉइन को अपने टॉय में चिपका लेता है, और उस टॉय को लेकर पूल के अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि पूल के अंदर एक और कॉइन किसी ने फेंका है। एलियट को लगता है कि इस कॉइन को उसके पिता ने फेंका होगा, लेकिन पानी से बाहर आने पर उसे आसपास कोई नहीं दिखता है। एलियट फिर से पानी के अंदर जाता है, और तब कोई एक एक करके कई सारे कॉइन को पानी के अंदर फेंक रहा था। एलियट बिना कुछ सोचे समझे उन कॉइन्स को कलेक्ट करने लगता है। तभी उसे पानी के अंदर से देखने पर बाहर एंजल खड़ी दिखाई देती है, लेकिन पानी के बाहर आने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है। फिर अचानक उसे पूल के एक साइड से फिर से एंजल की आवाज आती है, जो उसे अपना नाम एंजल बताती है। साथ ही एंजल उसे यह भी बताती है कि वो अपनी माँ को ढूंढ रही है। एंजल एलियट को उसका टॉय पूल के साइड के होल में हाथ डालकर लेने को कहती है। जब एलियट ऐसा करता है तब बालों से भरा एक डरावना हाथ एलियट को पकड़ लेता है। फिर डर के मारे एलियट चिल्लाता है और पूल से बाहर निकलता है। एलियट इस इंसिडेंट और एंजल के बारे में ईव को बताता है, लेकिन ईव पूल में जब जाती है तो देखती है कि वो पूल बिल्कुल नॉर्मल है। फिर ईव जब इस बारे में रे को बताती है और उसके मुताबिक एलियट का कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो इसलिए वो ये सारी स्टोरियां बना रहा है, और एलियट के कुछ फ्रेंड बन पाए इसलिए वो ईव को एक पूल पार्टी रखने को कहता है, और इस पार्टी से वे लोग भी अपने नेबर्स के साथ में दोस्ती कर पाएंगे। रे की पार्टी वाली बात सुनकर ईव और एमिली बहुत ही ज्यादा खुश थे। फिर इसके बाद पूरी फैमिली एलियट को बेसबॉल क्लास के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ पर एलियट पहली बार में ही बहुत अच्छा गेम खेलता है। रे के भी वहाँ पर बहुत सारे फैंस थे, जिनके लिए रे भी एक बार गेम खेलने के लिए आता है। पहली दो बार में तो रे एक भी बॉल को हिट नहीं करता है, और एक बार वो गिर भी जाता है। लेकिन तीसरी बार में जब रे उस बॉल को हिट करने वाला था, तब अचानक उनके पूल में कुछ अजीब सी एक्टिविटी होती है, और रे को अपने पास्ट के गेम के कुछ मोमेंट्स याद आते हैं, जिसके बाद में रे इतने जोर से उस बॉल को हिट करता है कि वो बॉल ही फट जाती है, और पास के क्लैंप पोस्ट में लग जाती है, जिससे कि लाइट बल्ब भी टूट जाता है। रे की इस गेम को देखकर उसके फैंस बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन उसकी फैमिली को ये चेंजेस बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे थे। फिर उसी रात को रे और ईव बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और घर में बस एलियट और एमिली थी। इसी मौके का फायदा उठाकर एमिली अपने स्कूल के क्रश जेसन को घर में बुला लेती है, और एलियट को इस बारे में उनकी माँ ईव को कुछ बताने से मना करती है। उसके बाद एमिली जेसन के साथ में पूल में एंजॉय करने जाती है, और वे दोनों पूल में ही हाइड एंड सीक वाला गेम खेलते हैं। जब एमिली ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, तब जेसन उसके साथ में एक प्रैंक करने वाला था, और बिना बताए पूल से बाहर निकल जाता है। तब अचानक कोई इविल पावर एमिली के पास में आकर उसे बुलाने लगती है, और उस चीज को जेसन समझकर वो उसे फॉलो करने लगती है। उस एविल एंटिटी को फॉलो करते करते एमिली कुछ ज्यादा ही गहरे पानी में चली जाती है, लेकिन रियलिटी में वो पूल इतना ज्यादा गहरा नहीं था। फिर अचानक एक एविल स्पिरिट एमिली के पैर को पकड़ लेती है, और किसी तरह एमिली उस चीज से पीछा छुड़ाकर ऊपर आने लगती है, और तब एमिली देखती है कि वो अपने पूल से बहुत गहरे पानी में आ चुकी है। वो बस पूल की लाइट को फॉलो करती है, और किसी तरह वो पूल से बाहर निकलती है। फिर बाहर आने के बाद में वो इस बारे में जेसन को बताती है, लेकिन जेसन के मुताबिक एमिली के पैर में केबल फंस गई होगी। तभी जेसन एमिली को किस कर देता है, और वो इस सारे इंसिडेंट को इग्नोर कर देती है। अब उनके पेरेंट्स भी आ चुके थे, तो जेसन वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन उनके घर में एक पूल पार्टी थी। एलियट भी अब समझ चुका था कि एमिली ने भी किसी चीज को पूल में देखा था, तो इसलिए वो इस बारे में एमिली से बात करता है। लेकिन एमिली एलियट को इस चीज को बड़ा इशू बनाने से मना करती है, क्योंकि इस घर में आने के बाद में उनकी लाइफ बहुत ही स्टेबल हो चुकी थी, और उनके डैड की हेल्थ भी ठीक हो रही थी, और उनकी माँ भी यहाँ पर आने के बाद बहुत ही खुश थी। तो अब अगर एलियट ने पूल के हॉन्टेड होने के बारे में कोई बात कही, तो उनकी पूरी फैमिली फिर से टेंशन में आ जाएगी, और उनको फिर से इस घर से शिफ्ट होना पड़ेगा। इस बात को एलियट भी समझ जाता है, और पूल के हॉन्टेड होने के बारे में वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताता है।
लेकिन वो पूल की हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने लगता है। फिर अब हम देखते हैं कि उनकी पूल पार्टी में एमिली के सभी दोस्त जेसन, रे, उनके नेबर एलियट के कोच एडी और एडी की वाइफ मोना और उनका बेटा जॉन आए हुए थे। सभी बहुत ही खुश थे और एंजॉय कर रहे थे। फिर इधर ईव कैसे घर के पहले ओनर के बारे में पूछती है कि बताना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी फैमिली नई नई इस घर में शिफ्ट हुई थी, लेकिन ईव के जिद करने पर के उसे बताती है कि घर के पहले ओनर की बेटी स्विमिंग पूल से मिसिंग हो गई थी और उसका आज तक कोई भी क्लू किसी को नहीं मिला है। तब ईव के से पूछती है कि क्या उस लड़की का नाम एंजल था, और ये सुनकर के भी शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसने तो उसका नाम कभी भी ईव को नहीं बताया था। और अब ईव को एलियट की हर बात पर यकीन हो जाता है। यहाँ पर पूल में जॉन एक बेसबॉल पर रे का ऑटोग्राफ लेता है और उसके बाद में रे जॉन को पूल में गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। जब रे पानी के अंदर था तो कोई ब्लैक कलर की इविल एंटिटी रे के अंदर घुस जाती है और रे पोजीशन में आकर जॉन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा था। एलियट इस चीज को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करता है और ईव को जाकर इस बारे में बताता है और सही समय पर सभी लोग जॉन और के को पानी से बाहर निकालते हैं। लकीली दोनों बिल्कुल ठीक थे और कुछ समय के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट को लेकर एडी पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं करता है, पर उनकी फैमिली का रिलेशन उनके साथ में खराब हो चुका था। और साथ ही एडी ने एलियट को बेसबॉल क्लास से भी निकाल दिया था। अब इस इंसिडेंट के बाद में ईव इस घर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन रे बार बार उस पुल की अच्छी बातें किए जा रहा था और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था, पर ईव की जिद के सामने रे को हारना पड़ता है और ईव अपने दो बच्चों और रे को लेकर उस घर से जाने लगती है। लेकिन उस घर से कुछ दूर जाने के बाद ही रे की हेल्थ फिर से खराब होने लगती है और उसकी नर्व्स भी ब्लैक होने लगी थी, तो इसलिए मजबूरी में आकर सभी लोग फिर से उस घर में वापस आ जाते हैं। और घर में आने के बाद में रे पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। रे अभी भी उसी पूल में जाने की और स्विमिंग करने की बातें कर रहा था और रे के ऐसे चेंजेस से अब ईव भी डर चुकी थी क्योंकि रे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो इसीलिए वो उस पूल का राज पता लगाने लगती है और पूल से पानी भी निकाल देती है। फिर वो इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उस घर में जितनी भी फैमिली पहले रही थी उन फैमिली का कोई ना कोई मेंबर उस पूल से गायब हुआ था, तो इसलिए सबसे पहले ईव एंजल की माँ लूसी से मिलने जाती है। लूसी अब बहुत ही बीमार थी और एक ऑक्सीजन सिलेंडर हर समय उसके साथ में रहता था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि लूसी का जो बेटा टॉम था वो बेड से उठ भी नहीं पाता था, जैसा कि हमने मूवी में स्टार्टिंग में देखा था। वो आज बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल और अमीर आदमी बन चुका था और उसे अब कोई भी बीमारी नहीं थी। तो इस बात पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब ईव लूसी से एंजल के बारे में पूछती है तो लूसी उसे ये कह देती है कि उनकी कोई बेटी थी ही नहीं। तब ईव लूसी को उस पूल के बारे में और उनके साथ में हो रहे सभी इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और तब लूसी के जरिए इस मूवी का सबसे बड़ा राज सबके सामने आता है। असल में सालों पहले इस जगह पर कोई टाउन या कोई घर नहीं था और ना ही कोई पूल था, वहां पर बस जंगल था। उस जंगल में एक लेक थी और उस लेक में इविल स्पिरिट्स रहा करती थी। कुछ ही समय में लोगों को पता चला कि वो लेक कोई भी विश को पूरा करती है, लेकिन उसके बदले में वो इविल लेक विश मांगने वाले पर्सन की किसी फैमिली मेंबर की स्पिरिट को अपने कब्जे में कर लेती है। सालों बाद उस जगह पर एक टाउन बन गया और उस लेक की जगह पर वो पूल बना दिया गया। लूसी को भी जब इस पूल के बारे में पता चला तो उसने अपनी बेटी एंजल को पूल के हवाले कर दिया और उसके बदले में उसका बेटा टॉम फिर से ठीक हो गया और आज वो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है। उस रात जब एंजल को पूल की इविल स्पिरिट अपने साथ में ले जा रही थी तो लूसी ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसने अपनी बेटी का सेक्रीफाइस कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी जैसे जैसे अपनी बातें बता रही थी उसकी आंखों से ब्लैक लिक्विड निकल रहा था, मतलब कि वो आज भी उस पूल के पोजीशन में है। और उसके घर का पानी भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, मतलब कि पूल की स्पिरिट उस पूल से जुड़े लोगों के आसपास के पानी को भी कंट्रोल कर सकती थी। अचानक से लूसी का बिहेवियर बदल जाता है और उसकी आंख और मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। और तब वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने भी अपनी हेल्थ के लिए उस पूल के साथ में उनके बच्चों को सेक्रीफाइस करने की डील की है और जल्दी वो पूल अपनी सेक्रीफाइस लेकर शांत हो जाएगा, जिसके बाद में फिर से कोई फैमिली वहां पर रहने के लिए आएगी और वो पूल उनका भी शिकार करेगा। ये सुनकर ईव वहां से घर की तरफ जाती है और इधर हम देखते हैं कि उस पूल से अपने आप वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा था और वो पूल फिर से पानी से भर चुका था। उस साथ ही रे पूरी तरीके से पजेस हो चुका था। ईव के बच्चे भी अपने घर पर आ चुके थे लेकिन उन्हें पूल के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी एलियट घर के पानी को अजीब तरीके से मूव होते हुए देखता है और उसे पूल की तरफ से उनकी कैट की आवाज भी आ रही थी। एलियट पूल की तरफ जाता है और उसे वहां पर अपनी कैट की शैडो नजर आती है, लेकिन पास जाकर देखने पर वहां पर कैट नहीं बल्कि कोई इविल स्पिरिट थी जो कि एलियट को अपने अंदर खींच लेती है और पूल का कवर अपने आप पूल को बंद करने लगता है।
मतलब कि इविल स्प्रिट कैसे भी करके एलियट को पूल से बाहर निकलने से रोक रही थी। यहाँ पर घर के अंदर पानी का ग्लास अपने आप मूव हो रहा था और जल्दी वो गिरकर टूट जाता है। तब तक एमिली एलियट को बचाने के लिए कवर को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उससे नहीं हटता है। तब ईव वहां पर आकर एमिली से पुलिस को कॉल करने को कहती है और खुद पानी में जम करती है। तब ईव को पूल के सिंक होल से एलियट नजर आता है जो कि बहुत ही गहरे पानी में जा रहा था, और तब ईव एक पाइप को बाहर बांधकर उसके साथ पूल में जम करती है ताकि वो एलियट को वापस लेकर आए। पानी के अंदर उसी पाइप से थोड़ी सी सांस लेकर ईव गहरे पानी में जाने लगती है। फिर कुछ दूर जाने पर ईव को एलियट मिल जाता है और उसे लेकर वो पूल के बाहर आने लगती है, लेकिन वो एविल स्पिरिट उन्हें जाने से रोक रही थी। तभी वहां पर एंजल की स्पिरिट आती है और एलियट का वही कॉइन उछलकर ईव को गहरे पानी से पूल तक जाने का रास्ता बताता है। एंजल की हेल्प से ईव एलियट को लेकर पूल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन घर के अंदर एमिली उसे ग्लास के ऊपर गिरकर जख्मी हो गई थी और वो अपने पिता रे को बुला रही थी जो कि अब पूरी तरीके से पजेस्ट हो चुका था। रे अब अपनी बेटी एमिली को मारने के लिए उसके पीछे पड़ चुका था। वो एमिली के ऊपर हमला करके उसके कुछ बाल भी उखाड़ लेता है, लेकिन किसी तरह एमिली अपनी जान बचाकर एक रूम में छुप जाती है और तब रे अपनी वाइफ और एलियट को मारने के लिए बाहर जाता है। इधर एलियट होश में नहीं आ रहा था और ईव रे से हेल्प मांग रही थी ताकि वो एलियट को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन रे उल्टा ईव का ही गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एमिली आकर बेसबॉल बैट से रे के ऊपर हमला करती है और तब रे के मुंह से वो ब्लैक लिक्विड बाहर निकलता है। उसके बाद में रे पजेशन से बाहर आता है और रियलाइज करता है कि वो अपनी फैमिली को मुसीबत में डाल रहा है। एलियट होश में तो आ गया था, लेकिन उस पुल की इविल स्पिरिट उसे तकलीफ दे रही थी। तब रे अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को पुल में सेक्रीफाइस कर देता है और तब जाकर वो पुल शांत होता है। जल्दी रे का भी इस दुनिया से नॉमिनेशन मिट चुका था। रे के सेक्रीफाइस करने के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एलियट भी फिर से ठीक हो जाता है। पर अब हम देखते हैं कि ईव और उसकी फैमिली उस घर को नहीं छोड़ती है, नहीं तो कोई और नई फैमिली वहां पर आएगी और उस एविल स्पिरिट को फिर से कोई सेक्रीफाइस चाहिए होगा। तो इसलिए ईव, एमिली और एलियट उसी घर में रहते हैं और वो उस पूल को भी मिट्टी से भर देते हैं। वे सभी तो उस एविल स्पिरिट से बचकर आ गए, लेकिन उन्होंने रे को खो दिया जिसे वो आज भी मिस करते हैं, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में हमने ये देखा कि टाउन में सालों पहले एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक ऐसी लेक थी जिसमें एविल स्पिरिट रहा करती थी। वो लोगों की विशेष को पूरी करती थी, लेकिन विश के बदले में वो विश मांगने वाले पर्सन को पजेस करती थी और बदले में उस एविल लेक को एक सेक्रीफाइस भी चाहिए था। एंजल की माँ लूसी ने अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए एंजल का सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक ऐसा ही सेक्रीफाइस किया था रे ने, पर एंड में उसे रियलाइज हुआ कि वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। एंजल की स्पिरिट ने भी एलियट को बचाने में मदद की, साथ ही रे के सेक्रीफाइस करने की वजह से उसकी फैमिली बच पाई और उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी इस पूल में किसी का भी सेक्रीफाइस नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मूवी मैंने एक्सप्लेन की है उस मूवी का नाम है नाइट स्विम। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस मूवी को डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।